हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं, हमारे पास हमारी जो क्लास 12th का चैप्टर 2nd चल रहा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसके पहले चार क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बदलने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर ये 10 तक हमें इसी प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बदलना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रहा है टेन इनवर्स पर रूट के अंदर है 1 + x^2 - 1 / x, ठीक है, ये चीज आपके पास, और जहां x नॉट इक्वल टू 0 है आपके पास। अब हमारे पास देखें, हमें इनके अंदर सभी फंक्शंस के जो भी आपके दिए गए हैं 5th, 6th, 7th, इन सभी में देखें, आपको हमेशा x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि 1 + 1 + या तो टेन स्क्वेयर होता है या 1 + cot² होता है। तो हमें दोनों में से जो हम चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपका फंक्शन पॉजिटिव भी हो जाएगा तो उसको 90 - या 90+ करके हम वैल्यूज को चेंज कर लेंगे उसको टेन बनाने के लिए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स इजक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, सो थीटा इजक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स। हमें सिंपल इसको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 + tan² हो जाएगा हमारे पास -1/tan θ। तो आपके पास ये क्या आ गया, टेन इनवर्स ऊपर 1 + tan² क्या होता है सिकेंड स्क्वेयर, और सिकेंड स्क्वेयर का रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिकेंड थीटा -1/tan θ, ठीक है, ये चीज आपके पास बन गई। अब सिकेंड थीटा -1/tan θ है, इसका अगर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 1 - cos θ / cos θ हो जाना है इसने, ठीक है, और नीचे आपके पास टेन क्या होता है sin/cos, ठीक है, और बाय कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा ये टेन इनवर्स 1 - cos θ / sin θ, ठीक है। मीन्स यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, 1 - cos θ आपके पास क्या बन जाएगा टेन इनवर्स के अंदर, 1 - cos θ क्या बनेगा 2 sin²θ/2, और नीचे आपके पास 2 sin θ/2 and cos θ/2, 2 से 2 कैंसल एंड साइन से साइन कैंसल, तो 1 sin/cos आपके पास क्या हो गया टेन हो गया, इट मीन्स tan θ/2, और टेन इनवर्स के अंदर टेन आ गया तो क्या बन जाएगी वैल्यू θ/2 बन जाएगी, और θ/2 मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बन गया हमारा, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको टेन इनवर्स के अंदर ही फंक्शन दिया गया, लेकिन यहाँ फंक्शन जो दे रहा है वो रूट के अंदर फॉर्म के अंदर दे रहा है हमें, ठीक है ना, √x^2 - 1 दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें क्या रखना होगा इसके अंदर। टेन के अंदर देखना, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रहा है टेन इनवर्स 1 / x^2 - 1, ठीक है, ये दिया गया, जहां आपके पास मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है। इन वैल्यूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैसे तो, ठीक है, यहां आपके पास x^2 - 1, एक्स का जो रिलेशन है, ठीक है, -1 आता है हमारे पास सिकेंट स्क्वेयर -1 होता है या कोसेक स्क्वेयर होता है, तो हमारे लिए सबसे इजी रहेगा कि हम यहाँ पर सेक मान लें, ठीक है, अगर आप कोसेक भी मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी हिसाब से आपका फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। मान लो सेक मानकर आपके पास नहीं बन रहा हुआ टेन, तो हम उसको 90 माइनस कर देंगे, और कोसेक मानकर आपके पास वो फंक्शन हो सकता है सीधा ही आपके पास डायरेक्ट उसी फॉर्म के अंदर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास यहां से देखें टेन इनवर्स 1 / √ के अंदर सिकेंड स्क्वेयर थीटा -1, ये चीज आ गई आपके पास। अब यहां से आप देखें सिकेंड स्क्वेयर से जब हम करेंगे हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास ये कोसेक टेन की फॉर्म में बनेगा, और टेन ऊपर जाके कोट बन जाएगा, तो उसको बदलना पड़ेगा हमें 90 माइनस करके कंसेप्ट को, ठीक है। अगर आप इसको कोसेक मान लेंगे तो आपके पास ये आपका डायरेक्ट कंसेप्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दोनों ही करके दिखाता हूँ, 1 / sec² हो गया हमारे पास, आगे देखते हैं टेन इनवर्स 1 / sec² - 1 tan² होता है, tan² का रूट आपका tan θ हो जाएगा,
और ऊपर चला गया तो ये आपके पास क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया, ठीक है। और कोट को खत्म करेंगे हम, टेन के अंदर बनाएंगे तो ये 90 माइनस कर लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा आपके पास, क्लियर। तो टेन के अंदर से टेन खत्म, तो पाई बाय टू कैंसिल माइनस थीटा, और थीटा आपके पास क्या चीज है, सिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब इसी चीज का हम दूसरा पार्ट करके देखते हैं, ठीक है। या मान लीजिए अगर आपने लेट कर लिया एक्स बराबर में कोसेक थीटा, ठीक है, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि देखिए कोसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, तो पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स आपके पास कोसेक इनवर्स के बराबर ही आएगा। मीन्स मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने टेन माना था, आप अगर कोट भी मान लेते तो वो 90 माइनस के कंसेप्ट में चला जाता, सिंपल, सिर्फ इतना फर्क पड़ना था क्वेश्चन के अंदर। अब उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसको देखें, ठीक है, हमने इस वैल्यू को अंदर बदला है, आप चाहे तो यहां भी बदल सकते थे, टेन इनवर्स इसको पाई बाय टू माइनस कोट कर सकते थे, ठीक है ना, आपके पास जैसे आप इसको यहां से अगर आप चाहते तो ये स्टेप भी यूज कर सकते थे, पाई बाय टू माइनस, क्योंकि टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाय टू होता है, तो टेन इनवर्स आपके पाई बाय टू माइनस कोट हो जाता, कोट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स आपका कैंसल, तो पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है, आपका ये स्टेप भी बन जाता। और यहां हम जो कर रहे हैं, और तीसरा स्टेप यूज कर रहे हैं, जो हम एक्स की जगह ही आपका सेक ना मानकर कोसेक मान रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपने अब दूसरा टी रेशो मान लिया होगा तो भी क्या फंक्शंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां थीटा की जगह सेकेंट इनवर्स एक्स आपका बन चुका है। अब देखिए टेन इनवर्स आपके पास, ठीक है, वन बाय रूट के अंदर कोसेक इनवर्स स्क्वेयर माइनस वन, तो आपके पास ये क्या हो गया, टेन इनवर्स, ठीक है, ये फंक्शंस की फॉर्म बन गई आपके पास। अब कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, अगर हम देखें कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस वन आपके पास क्या होता है, कोट, ठीक है, तो वन बाय कॉट, सॉरी एक्स लिखिए, हम थीटा लिखना था, कॉट थीटा, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा, तो बाहर क्या आ गया आपके पास, थीटा, और थीटा आपके पास क्या होगा, यहां से कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, क्लियर। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, यहां पर कंसेप्ट के अंदर कोसेक इनवर्स एक्स तो बन गया आपके पास, और यहां क्या बन रहा है, पाई बाय टू माइनस सिकेंड इनवर्स एक्स, और ये भी क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर ही होता है, क्योंकि सिकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है। मीन्स पाई बाय टू की जगह वैल्यू पुट कर दें, सिकेंड एक्स इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो सिकेंड कैंसिल होकर आपके पास क्या रह जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स रह जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर आपके पास हमें दे रहा है टेन इनवर्स के अंदर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर रूट, ठीक है, जहां एक्स आपके पास लेस देन पाई है, तो यहां हमें क्या करना होगा सब क्वेश्चंस को सिंपली, ठीक है, आपके पास अगर हम करें टेन इनवर्स, क्योंकि आपके पास यहां लेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स आपके पास एक एंगल के रूप में दिया गया है, ठीक है, तो वन माइनस कोस क्या होता है आपके पास, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू, और वन प्लस कोस क्या होगा हाफ एंगल के अंदर, टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू, आपके पास टू से टू कैंसल, साइन बाय कोस टेन बनेगा, तो रूट से बाहर होकर आपके पास ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू, ठीक है, और टेन इनवर्स से टेन इनवर्स खत्म, तो क्या बचा आपके पास एक्स बाय टू, ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, इसमें भी सेम यही चीज दी गई है, टेन इनवर्स आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स दे रहा है अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स दे रहा है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन पाई से लेस देन दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हमारे पास टेन इनवर्स हमने ऊपर नीचे अगर कोस से डिवाइड कर देते हैं तो ये वन हो गया, ये वन साइन बाय कोस टेन इन एक्स हो गया, और आपके पास ये कोस एक्स बाय कोस एक्स वन हो गया, और साइन बाय कोस आपके पास क्या हो गया, टेन एक्स हो गया, ठीक है। अब वन माइनस टेन एक्स आपके पास अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये किसका फार्मूला बन जाएगा आपका, टेन के अंदर पाई बाय फोर माइनस एक्स का, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर बचा, पाई बाय फोर माइनस एक्स, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा।
आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फिर आपके पास सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमें दे रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, जहां आपके पास मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए है। हम क्या करेंगे लेट इसके अंदर, क्योंकि आपके पास 1 माइनस बनेगा तो 1 माइनस मतलब आपके पास ही कॉस बनना चाहिए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर या 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, क्योंकि मुझे टेन चाहिए तो ऊपर तो साइन आ जाए, तो उस चीज के हिसाब से हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां से थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, ए जाके डिवाइड हो गया एक्स बाय ए, और साइन आपका उधर के क्या हो गया इनवर्स में हो गया। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं टेन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा, ठीक है आपके पास। और नेक्स्ट देखेंगे अपॉन में ए की पावर 2 माइनस एक्स की जगह ए की पावर 2 साइन की पावर 2 थीटा, ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। अब टेन इनवर्स के अंदर आपके पास ए साइन थीटा और ए की पावर 2 दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर हो जाएगा, और कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट कोस हो जाएगा, ए से ए कैंसल, आपके पास टेन इनवर्स के अंदर क्या आ गया टेन थीटा आ गया, और थीटा क्या बचा थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है यहां पर बनी है आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके अंदर भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बदलने के लिए कहा गया, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बदलना है, इसमें हम क्या करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कह रहे हैं टेन इनवर्स, ठीक है, 3 ए की पावर 2 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स की पावर 2। एक्स क्यूब है तो आपके पास ये टेन 3 ए का फॉर्मूला बनना है इसने, ठीक है, तो उसी चीज के अकॉर्डिंग हम इसको यहां वैल्यूज दी गई है, ए इज ग्रेटर देन 0 माइनस ए की एक्स की वैल्यू दी गई है, हम सिंपल यहां लेट कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा आपके पास। तो यहां से थीटा क्या बन जाएगा ए अपॉन में चला जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स 3 ए की पावर 2 एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन आपके पास, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स की जगह क्या आ गया ए की पावर 2 टेन की पावर 2 थीटा। तो ए क्यूब ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बचेगा क्या टेन इनवर्स, ठीक है, अगर ऊपर नीचे ए कॉमन निकाला हमने तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे से ए क्यूब कॉमन निकाला हमने तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो ये फॉर्मूला बना ये किसका फॉर्मूला बन गया टेन 3 थीटा का, टेन इनवर्स के अंदर टेन तो कैंसिल आपके पास 3 थीटा, इनको काट कर नहीं दिखाना था, अपने आप ऑटोमेटिक ये कैंसिल जाए, हमने फॉर्मूला के अंदर पढ़ा भी इनको 3, और इनके सारे फॉर्मूले बेसिक कंसेप्ट हमने, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखे थे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से चाहे तो इनको समझ सकते हैं, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास टेन इनवर्स एक्स बाय ई, क्लियर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, इनके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो जाएंगे इनमें आपके पास अलग तरह के कंसेप्टों को सिर्फ हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच द फॉलोइंग, मींस फंक्शन दिया गया, मैं फंक्शन यहां डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ स्टेटमेंट आपको शो करवाई है अभी, पांचों की पांचों स्टेटमेंट शो करवा दी है, ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ जनरल चलेंगे आपके पास, 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2, ठीक है, आपके पास देखिए यहां से tan इनवर्स 2 cos 2, ठीक है, साइन इनवर्स 1 बाय 2 वैल्यू किसकी होती है आपके पास 60 डिग्री की होती है, सॉरी 30 डिग्री की होती है, मीन्स पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है आपके पास, क्लियर। और टेन इनवर्स
टू कॉस, ये से कैंसिल होकर क्या हो गया, पाई बाई थ्री आ गया, तो टेन इनवर्स टू कोस पाई बाई थ्री, मतलब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू होती है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास टेन इनवर्स वन बचा, और वन टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है आपकी, पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमें क्या दे रहा है, हमें कह रहा है कि कोट के अंदर टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है, ठीक है, कोट के अंदर है, और ये वैल्यू किसकी होती है आपके पास, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स ए, इन दोनों का जोड़ पाई बाय टू के इक्वल होता है, और कोट पाई बाय टू की वैल्यू क्या, मतलब कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहा है टेन इनवर्स हाफ, ठीक है, अंदर दे रहा है हमें साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस कोस इनवर्स वन माइनस वाई की पावर टू अपॉन वन प्लस वाई की पावर टू आपके पास, ठीक है, और जहां आगे एक्स की वैल्यूज कह रहा है कि लेस देन इक्वल देन लेस देन वन होगी, और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, एक्स वाई की जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन वन होगी आपके पास, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, ठीक है, साइन इनवर्स, अगर हम देखें टेन इनवर्स वन बाय टू, ये फॉर्मूला किसका होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का, और ये किसका होता है, टू टेन इनवर्स वाई का हो जाएगा, ठीक है, आपके पास टू कॉमन निकाल कर आप क्या खत्म कर देते हैं, तो टेन इनवर्स आपके पास क्या हो गया, टू कॉमन खत्म, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, टेन इनवर्स के अंदर इन दोनों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स के अंदर, ओ सॉरी यहां मैं इनवर्स लगा गया स्टेटमेंट के अंदर, ये इनवर्स नहीं है, ये अकेला टेन दिया हुआ है, ठीक है ना, इनवर्स अंदर ही है, कंफ्यूज हुआ कि इनवर्स के अंदर, इनवर्स तो सॉल्व करना आपके लिए उसके अंदर एडिशन, हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं, टेक्निक्स चाहिए, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है ना, वो एडवांस हायर क्लासेस का काम है। टेन के अंदर टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, टेन के अंदर टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दे रहे हैं हमें, इफ साइन के अंदर है साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम करते हैं साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2, ठीक है, अब क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ठीक है, वी नो डेट हम जानते हैं, सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करने पर आपके पास क्या कंसेप्ट आता है कि एक्स अगर यहां पर आपके पास इस फॉर्मूले से कंपेयर करें, ठीक है, तो एक्स आपके पास यहां दोनों सेम होना चाहिए, तो ये भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इट मीन्स आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर टेक्निक लगती है कि आप इस साइन को पहली तरह ले आते और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले हम यूज करते, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, फिर उन साइन इनवर्स को हम कॉस के इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करते, फिर आपके पास एक्स की वैल्यू बनती है हमारे पास, क्लियर। आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको टेन इनवर्स के अंदर दो वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया इन्होंने, हमें कह रहा है इफ टेन इनवर्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखें टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस वन सॉरी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हमें क्या दे रहा है पाई बाय 4 दे रहा है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है हमें, तो यहां से हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर दिया, अगर टेन इनवर्स आपके पास एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, अभी हमने यूज किया है इन फॉर्मूलों का एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, क्लियर,
तो आपके पास यहां से देखेंगे टेन इनवर्स, आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू फॉर्मूले में आ गया आपके पास, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टू प्लस टू एक्स माइनस टू, ठीक है। और आपके पास क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन लंबी जाएगी तो इनको आगे लिख लेते हैं, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपोन में आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हैं, इन दोनों का एलसीएम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और वन के साथ इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक्स की पावर टू माइनस फोर माइनस ऊपर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, तो माइनस के कारण साइन चेंज एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर आपके पास दोनों के दोनों कंसेप्टों के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर आपके ये कैंसिल। और ऊपर अगर हम देखें प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट आपका खत्म, और बचा आपके पास नीचे भी देखें एक्स माइन प्लस एक्स की टू माइनस एक्स की टू ये भी खत्म, ठीक है। और इज इक्वल टू सॉरी हम यहाँ पर मुड़िए पाई पाई बाय फोर है तो ये और का स्टेप हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाय फोर दिया गया आपको, ठीक है। ये टेन इनवर्स अगले स्टेप में पलट कर उधर चला गया तो ऊपर आपके पास क्या है एक और एक दो एक्स की पावर टू, ठीक है माइनस, आप चाहें तो इसी स्टेप के अंदर यहाँ भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास ये टेन पाई बाय फोर हो गया और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू जो आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऊपर एक और एक दो माइनस दो और माइनस दो माइनस चार हो गया और नीचे माइनस चार प्लस एक माइनस तीन और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां से आपके पास 2x की पावर 2 माइनस 4 माइनस इज इक्वल टू माइनस 3, तो अगले स्टेप के अंदर 2x की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। सो x की पावर 2 आपके पास क्या हो गया 1 बाय 2 हो गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास स्क्वेयर रूट प्लस माइनस 1 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट स्क्वेयर रूट 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद से हमें कह रहा है कि एंड द वैल्यूज ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 16 to 18, हमें वैल्यूज निकालनी है एंगल फाइंड आउट की करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपके पास हमें दे रहा है साइन इनवर्स के अंदर, ठीक है, साइन 2π/3 दे रहे हैं। तो आपके पास यहां से आपको लगेगा कि साइन इनवर्स आपके पास साइन से साइन कैंसिल तो 2π/3 आपका आंसर आ जाना चाहिए, नहीं। लेकिन क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर से जब भी वैल्यू बाहर निकलती है तो आपके पास वो 2π/3 की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस वैल्यू को अंदर बदलना पड़ेगा, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता पॉजिटिव फॉर्म के अंदर और ना नेगेटिव फॉर्म के अंदर। तो साइन इसको हम अगर हम पाई माइनस पाई बाय थ्री कर लें कोई फैक्ट नहीं पड़ा, 2π/3 को हमने ये लिख लिया, और साइन पाई के कारण साइन रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा, मीन्स साइन के अंदर आपके पास साइन π/3 हो गया, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ गया π/3, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बन गया, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या कह रहा है हमें, हमें दे रहा है टेन इनवर्स के अंदर टेन 3π/4। अब यहां पर आप देखें टेन के अंदर जो रेंज है टेन की वो भी -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या चीज आ गई, फिर वैल्यू कंफ्यूजन सिस्टम क्या आ गया कि आपके पास 3π/4 आ गया। अब 3π/4 तो हमारे पास कोई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कारण ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी आपके पास। मान लीजिए अगर आप इसको पाई माइनस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव जो मर्जी करें हम, 10 को 3π/4 को पाई माइनस पाई बाय 4 लिख लिया गया हमारे द्वारा। तो 10 इनवर्स 10 पाई के कारण ये 10 रहेगा, ठीक है, पाई बाय 4 आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या आ जाएगा आगे माइनस का निशान, और आपके पास 10 के अंदर आगे माइनस का निशान हो तो वो अंदर जा सकता है, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेकेंड के अंदर माइनस नहीं आगे अंदर जाता, ठीक है, बाकी में आपके पास जा सकता है। और अगर आप ये ना भी करना चाहें तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स का, हमारे पास दो टेक्निक बनती हैं। एक तो मैं आपको जा रहा हूँ, देखो टेन आपने इस प्रकार से अंदर ले गए माइनस पाई बाय फोर, आपके पास टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल माइनस पाई बाय फोर आ गया, ठीक है।
या फिर इस स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी जगह अगर आप और करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसी चीज को, इसी के अंदर हमारे पास टेन जो इनवर्स माइनस थीटा हो गया ना, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस आपका ये बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स के अंदर टेन पाई बाई फोर, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके पास है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस पाई बाई फोर आ गया। तो आपकी च्वाइस है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। स्टेप के बाद आप यहां से माइनस को अंदर ले जाए या यहां से माइनस को बाहर ले आए, ठीक है, वो दोनों में से जो मर्जी आप स्टेप ही यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, हमें दे रहा है टेन के अंदर, ठीक है, टेन के अंदर हमें दे रहा है साइन इनवर्स तीन बटा पांच प्लस कॉट तीन बटा दो, ठीक है। हमारा टारगेट है इनके अंदर जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, इनको हमने किसके अंदर, टेन की इन फॉर्म के अंदर बदलेंगे, ताकि टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स का हमारे पास रिलेशन बन जाए, ठीक है। ये तो आपके पास सिंपल जी है, सॉरी कॉट इनवर्स है ये, ठीक है, इसका तो टेन इनवर्स बनाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, लेकिन इस साइन से हम कोसेक तो बना सकते हैं, ठीक है, इस साइन से अगर हम चाहें तो कोसेक तो बना सकते हैं इसको पलटकर, लेकिन टेन नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लेट करेंगे हम, ठीक है, नाउ लेट साइन इनवर्स तीन बटा पांच बराबर में थीटा, तो आपके पास तीन बटा पांच क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। यहां से हम पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास, ठीक है, तो यहां से आपके पास कॉस थीटा क्या बनेगा, आपके पास स्क्वेयर रूट के अंदर वन माइनस है साइन स्क्वेयर, ठीक है, तो वन माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, इट मीन्स रूट सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, इट मीन्स फोर बाई फाइव आपके पास आ गया। तो टेन थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस आपका, ठीक है, ये कितना थ्री बाय फाइव है और ये कितना फोर बाय फाइव है, तो क्या आ गया आपके पास थ्री बाय फाइव आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, टेन इनवर्स थ्री बाय फोर। तो वैसे इसी कंसेप्ट का हमने यूज करना होगा यहाँ पर, टेन इसको आप फेयर वर्क पर ही करेंगे, टेन के अंदर टेन इनवर्स ये आपके पास थ्री बाय फोर हो गया, प्लस इसका टेन इनवर्स बनाया तो ये टू बाय थ्री हो गया आपके पास, ठीक है, वैल्यू पलट जाएगी आपकी। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग सकता है इन पर, ठीक है, tan इनवर्स x मीन्स 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 3, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए tan इनवर्स, आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम 12 बन जाएगा, 3 3 9 प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8, क्लियर। और नीचे देखेंगे 12 आपका एलसीएम आ गया, 12 को अपने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, 12 से 12 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 12 से 12 आपका कैंसिल, तो क्या चीज़ आ गई आपके पास, सॉरी बाहर 10 चल रहा है, वो 10 तो मैं भूल ही गया लिखना, ठीक है, ये आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो सारा का सारा 10 के अंदर है, ठीक है ना, वो 10 के अंदर कंसेप्ट है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका 10 के अंदर चल रहा है। मैंने अंदर वाले की मल्टीप्लिकेशन तो कर दी, बाहर वाले को रह गया लिखना 10। तो आपके पास यहां से देखें कि क्या कंसेप्ट बना, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऊपर ले क्वेश्चंस को। तो यहां से देखें 10 के अंदर 10 इनवर्स है आपके पास, ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास क्या आई है, 17, 12 से 12 कैंसिल, 17 बटा में 6, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 17 बटा में 6, 17/6, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमें क्या कैसे करना है, इसके अंदर आपके पास वही वैल्यूज फाइंड आउट करने के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना होगा। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर भी वैल्यू का ही जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर आपके पास कॉस इनवर्स के अंदर कॉस दिया गया 7π/6, ठीक है, अब वही कंसेप्ट आपके पास, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कोस की रेंज है वो पाई, जीरो कोस इनवर्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई होती है, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए कोस इनवर्स के अंदर हमने इसको आप 2π- भी लिख सकते हैं या पाई प्लस करके चेंज कर सकते हैं, वो आपकी स्टेप है, आप जैसे मर्जी चाहें, ठीक है, 2π- थीटा कर लिया हमने, 2π के कारण कोस का कोस रहेगा आपके पास, कोस के इनवर्स के अंदर कोस 5π/6 आ जाएगा, इट मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5π/6, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपके पास 5/6 के, मतलब बी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास दे रहा है साइन इनवर्स के अंदर आपको, सॉरी साइन के अंदर
वैल्यू दे रहा है पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, ठीक है। अब साइन के अंदर देखें पाई बाय थ्री, साइन में क्या होता है माइनस है वो आपका बाहर आ जाता है, ठीक है, और वन बाय जो टू वैल्यू होती है वो पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है। इट मीन 60 प्लस 30 आपका क्या बन गया साइन 90 बन गया, पाई बाय टू बन गया, और साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन आपका आंसर क्या बन गया डी ऑप्शन बन गया। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपके पास देखें क्या दे रहा है, टेन इनवर्स दे रहा है, ठीक है, टेन इनवर्स के अंदर रूट थ्री दे रहा है आपको, क्लियर, और दूसरे के अंदर कॉट इनवर्स माइनस है, कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास माइनस आ गया, कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास माइनस रूट थ्री है, ठीक है। अब हमारे पास इसका वैल्यूज कॉट के अंदर, क्योंकि जो फंक्शंस है माइनस नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है वो आपके पास किस में होता है कॉट के अंदर, अगर हम इसको करना चाहें माइनस को खत्म करने के लिए हमें पाई माइनस करना होगा, क्योंकि कोस सिकेंट और कोट सॉरी कोस कोस सिकेंट और कोट के अंदर माइनस को खत्म करना है तो इसको पाई माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस, पाई माइनस इसको लिखना पॉजिटिव कर नेगेटिव करके, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, कॉट इनवर्स रूट थ्री बन जाएगा। अब आपके पास माइनस पाई और कोट इनवर्स एक्स प्लस सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा पाई बाय टू, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया माइनस पाई बाय टू आ गया। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन बन गया आपके पास, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इनको जरूर से जरूर शेयर करें। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।